आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233G1 द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव की पूर्व संध्या पर शनिवार को इंदौर के SGS ITS कॉलेज के गोल्डन जुबली हॉल में रंग दे बसंती चोला एक शाम कुर्बानी के नाम का आयोजन संपन्न हुआ। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन रश्मि गुप्ता ने बताया कि इस अवसर पर लॉयन कर्नल IS गिल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट के सभी पदाधिकारियों द्वारा लॉयन कर्नल IS गिल का सम्मान शॉल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में SGS ITS के कुलपति राकेश सक्सेना, लॉयन डॉक्टर साधना सोडानी, लॉयन यश शर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों एवं नृत्यों की प्रस्तुति करने वाले सभी कलाकारों का सम्मान करते हुए बेहतरीन प्रस्तुतियों को लॉयन रश्मि गुप्ता ने प्राइड ऑफ भारत से सम्मानित किया। इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम संयोजक लॉयन महेश अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम का गौरवमय संचालन लॉयन अलका भार्गव ने किया, वहीं समन्वयन लॉयन अनिल मोदी एवं आभार लॉयन प्रदीप काबरा ने माना। तो समय है, उमंगे भरी है, अभी हाथ में अपने तकदीर अपनी, अभी तो समय है, उमंगे भरी है, अभी हाथ में अपने तकदीर अपनी, अभी है समय की चुटालो सुहानी, पसीने के वीर अपनी, क्षितिज पर नई नाचती है किरण जो, परिश्रम के जो नई सांसों को नई जिंदगी सुनने लगती है। निवेदन करूंगी कि वो हमें आशीर्वचनों से भी अभिभूत करें। आज का जो कार्यक्रम है, जैसे हम सभी जानते हैं कि ये स्वतंत्रता दिवस जो है वो 75वां स्वतंत्रता दिवस है और इसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आज उस अमृत महोत्सव की पूर्व संध्या पर हमने एक शाम कुर्बानी के नाम आयोजित किया है, जिसे हमने रंग दे बसंती चोला के नाम से यहाँ पर आयोजन किया है। लायंस क्लब इंटरनेशनल जो संस्था है उसके सभी सदस्य डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हमने विशेष रूप से महू से हमारे बीच कर्नल IS गिल भी उपस्थित हुए हैं और उनकी जो सेवाएं
सेवाएं उन्होंने अब तक दी हैं। 23 वर्षों का उनका सेवा का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के लिए उन्हें यहाँ पर सम्मानित भी किया है और उनसे मार्गदर्शन भी लिया है। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर आज़ादी से संबंधित जो गाने हैं, देशभक्ति के, देश प्रेम के गीत हैं, नृत्य हैं, उनकी प्रस्तुति यहाँ पर रखी है, जिससे कि हम सभी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना सकें।